143 यात्री मास्को से दिल्ली होते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल इंदौर उतरे, जिनमें से 24 यात्री इंदौर के थे। इन सभी 24 यात्रियों को होटल लेमन ट्री में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया। यह फ्लाइट 3:35 पर इंदौर पहुंची है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा विश्व के अलग अलग देशों में फंसे भारतीयों को वंदे मातरम मिशन के तहत भारत लाया जा रहा है। इसी के चलते इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर पर भी लगातार विदेशी यात्रियों का आना जारी है। हालांकि कोरोना शुरू होने के पहले जिस तरह से लापरवाही बरतकर यात्रियों को क्वारंटाइन नहीं किया गया था, उसी के बाद देश भर में कोरोना फैल गया। जैसा कि पूरे विश्व में हुआ, वैसा ही भारत में भी हुआ। यही वजह रही कि तमाम यात्रियों को क्वारंटाइन कराने के साथ साथ उनका टेस्ट भी कराया जा रहा है, जिससे कोरोना से बचाव और सावधानी रहे। कोविड नोडल अफसर और एयर मॉनिटरिंग अधिकारी ने बताया कि ये सभी यात्रियों की उम्र लगभग 19 से 25 वर्ष की है। ये सभी स्टूडेंट हैं। आज रात 3:35 पर मॉस्को से दिल्ली होते हुए इंदौर विमानतल पर 143 यात्रियों के साथ में एयर इंडिया की विमान आया, जो वंदे भारत मिशन के तहत यात्रियों को लेकर के आया था। इन यात्रियों में से 24 यात्री इंदौर के थे, जिन्हें होटल लेमन ट्री में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराए गए। ये सभी यात्री 19 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के थे और सभी स्टूडेंट्स ही थे।